उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी रहा और इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दोनों ही पार्टियों ने उपचुनाव को लेकर काफी जोरों शोरों से तैयारियां कर रखी है। इसी बीच इंडिया गठबंधन में सपा के साथ शामिल कांग्रेस ने घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राज्य में कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने घोसी उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शुरू से ही चुनाव को प्रभावित करने का काम करती रही है। ये दूसरी घटना दोहराई जा रही है उत्तर प्रदेश में। पहली घटना अजय मिश्रा टेनी ने अपने लड़के को बचाने का पूरा कार्य किया है, जिसमें हमारे कांग्रेस के लोगों ने उसको मजबूती से उठाया, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने उठाया। और दूसरी वो सेम घटना, फिर वही घटना दोहराई गई यहाँ के भारत सरकार के मंत्री कौशल किशोर जी के घर में, और उनके घर में उन्हीं के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसको भी अपने लड़के को, कौशल किशोर जी अपने बच्चे को बचा रहे हैं।